नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मधिष्ठ उपाध्याय। विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि इस बार प्रशांत भूषण पर कानून का ऐसा डंडा चला है कि उनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी और अब उन्हें जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। दरअसल खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के प्रति कथित रूप से दो अपमानजनक ट्वीट के मामले में प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब उनकी सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को करेगा। बता दें कि प्रशांत भूषण ने सीजीआई बोबड़े और सुप्रीम कोर्ट के चार पूर्व सीजीआई को लेकर अपमानजनक ट्वीट किए थे, जिस पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। इससे पहले प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट को लेकर बचाव किया था, जिसमें अदालत की अवमानना की गई थी। उन्होंने कहा था कि वे ट्वीट न्यायाधीशों के खिलाफ उनके व्यक्तिगत स्तर पर आचरण को लेकर थे और वे न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न नहीं करते। न्यायालय ने इस मामले में प्रशांत भूषण को 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अवमानना नोटिस के जवाब में वकील भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में कहा था कि चीफ जस्टिस की आलोचना सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम नहीं करता है। काफी महंगी बाइक पर सवार चीफ जस्टिस के बारे में ट्वीट करना सुप्रीम कोर्ट में सामान्य सुनवाई न होने को लेकर उनकी पीड़ा को दर्शाता है। प्रशांत भूषण ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले चार चीफ जस्टिस को लेकर किए गए उनके ट्वीट के पीछे उनकी अपनी सोच है, जो भले ही किसी को अप्रिय लगे लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है। प्रशांत भूषण की दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई को निरस्त करे, लेकिन अब न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले में भूषण को दोषी माना है। बताया जा रहा है कि उन्हें अब 6 महीने तक की सजा हो सकती है। दरअसल प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट के जरिए कहा था कि पिछले 6 सालों में देश में लोकतंत्र को बर्बाद करने में 4 प्रधान न्यायाधीशों की भूमिका रही है। इसके बाद प्रशांत भूषण ने एक और ट्वीट किया, जिसमें मौजूदा प्रधान न्यायाधीश एसएस बोबड़े की उस तस्वीर को लेकर किया था, जिसमें वो हार्ले डेविडसन बाइक पर बैठे नजर आ रहे थे। भूषण ने सीजीआई बोबड़े पर बाइक पर बिना हेलमेट और मास्क के बैठने का आरोप लगाया था। बता दें कि पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी प्रशांत भूषण जहर उगल चुके हैं। उन्होंने पिछले साल आत्मघाती हमला करने वाले आतंकी आदिल अहमद डार के लिए प्रेम भरा विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आदिल अहमद डार सेना के पीटे जाने की वजह से आतंकी बना था। इससे पहले भगवान कृष्ण पर भी विवादित ट्वीट किया था, जिसके बाद उसे डिलीट कर दिया था। यानी कि देश के खिलाफ जहर उगलने से लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने तक प्रशांत भूषण के बयानों का इतिहास है, लेकिन इस बार वो कोर्ट के शिकंजे में ऐसे फंसे हैं कि अब उनका निकलना मुश्किल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।